बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 2 फ्लोचार्ट्स एंड एल्गोरिथम का आगाज किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। और आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं इस टॉपिक के साथ कि एल्गोरिथम होता क्या है और आप किस तरीके से एल्गोरिथम को लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने एक तस्वीर है जो कि ईरान के नवी सदी के मैथमेटिशियन की है और इनका नाम है इब्ने मूसा अल खोरज़मी। दोस्तों, यही वो इंसान है जिन्होंने सबसे पहले मैथमेटिक्स और कंप्यूटर की फील्ड में एल्गोरिथम का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है। इनकी वैसे तो काफी खिदमात हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा मशहूर होने वाली स्टडीज में से एक स्टडी ऑफ एल्गोरिथम भी है। अब आइए देखते हैं कि आखिर ये एल्गोरिथम होता क्या है। दोस्तों, आप लोगों को ये सुनकर हैरत जरूर होगी, लेकिन ये एल्गोरिथम का लफ्ज आपके लिए नया नहीं है, बल्कि हजारों सालों से लोग एल्गोरिथम को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कैसे? फ्रेंड्स, मान लें आप अपनी जिंदगी में पहली बार जूता पहन रहे हैं। क्योंकि आपको जूता पहनना नहीं आता, तो यकीनन इस काम को करने में आपको ना सिर्फ दुश्वारी होगी बल्कि वक्त भी लगेगा। लेकिन अगर कोई आपको सिर्फ एक बार जूते को पहनने का तरीकेकार बता दे, तो ये काम आपके लिए निहायत ही आसान हो जाएगा। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही अगर आप जिंदगी में पहली बार स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल जाने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है ये आपको पहले से तो पता नहीं होता। यकीनन आपके वालदैन ने आपको जरूर सिखाया होगा कि पहले आपको उठना है, फिर ब्रश करना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, फिर यूनिफॉर्म पहनना है, फिर बैग चेक करना है और फिर स्कूल रवाना हो जाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी को तो एल्गोरिथम कहा जाता है कि आपकी प्रॉब्लम का कोई हल बता दे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो इसी को आसान अल्फाज में एल्गोरिथम का नाम दिया जाता है। और ये देखिए, एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यानी किसी भी मसले को तरतीब वार हल करने के अमल को एल्गोरिथम कहा जाता है। जैसे अभी मैंने आपको दो प्रॉब्लम्स दिखाई कि अगर आपको जूता पहनना नहीं आता तो ये एक प्रॉब्लम थी, और कोई आपको स्टेप बाय स्टेप बता दे कि पहले आपने शूज को अपने पैरों में डालना है, देन उसके दोनों लेसेस को बांधना है, फिर उसके बाद एक और नॉट लगानी है ताकि वो खुल ना सके। तो इन स्टेप्स को जब आप फॉलो करेंगे, इन पर अमल करेंगे, तो यकीनन आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। एंड दीज स्टेप्स आर कॉल्ड एल्गोरिथम। लेकिन दोस्तों, किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए कुछ चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, जिनमें पहली चीज है, ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ एल्गोरिथम शुड बी प्रिसाइज, क्लियर एंड अनएम्बिगस। यानी एल्गोरिथम का हर एक स्टेप दुरुस्त, वाजे और गलती से पाक होना चाहिए। जैसे मान लें आप दो नंबर्स को सम करवाने जा रहे हैं, दो नंबर्स को आपस में ऐड करवाने जा रहे हैं, तो आप एक स्टेप लिखते हैं सम इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो यहाँ आपने सिंबल गलत लिख दिया है, प्लस की जगह माइनस लिख दिया है, विच मीन्स कि एल्गोरिथम का ये स्टेप गलत है। इसकी किसी यानी इसके किसी स्टेप में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा स्टेप देखिए, Each and every step should be performed in a finite time. यानी एल्गोरिथम में आपका हर एक स्टेप एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम के लिए ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर आपको दो नंबर्स को ऐड करवाना है तो वो स्टेप चलता ही चले जा रहा है, स्टॉप ही नहीं हो रहा, रुक ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी स्टेप्स आपने एल्गोरिथम में लिखे हैं, अगर वो रिपीट भी हो रहे हैं तो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ही होने चाहिए, यानी कुछ महदूद टाइम के लिए होने चाहिए। और इसीलिए इसका ये थर्ड स्टेप देखिए, द स्टेप्स शुड नॉट रिपीट इनफाइनिटली। यानी जो स्टेप्स आपने अपने एल्गोरिथम में लिखे हैं वो लामहदूद टाइम के लिए रिपीट नहीं होने चाहिए, लामहदूद टाइम के लिए अपने आप को उनको दोहराना नहीं चाहिए। जैसे अक्सर हम लूप्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे आगे प्रोग्रामिंग में, तो लूप्स हम कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही, उनको हमें कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हमें रिपीट करवाना होता है, तो हमेशा वो लिमिटेड टाइम के लिए होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो इनफाइनिटली लामहदूद टाइम के लिए जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। और ये है इसका फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, द डिजायर्ड रिजल्ट
should be obtained after the algorithm is end, यानी जब आप अपने एल्गोरिथम का लास्ट स्टेप लिखें, यानी जब आपका एल्गोरिथम खत्म हो तो उससे आपको सही आउटपुट जरूर निकलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम तो लिख दिया लेकिन रिजल्ट वो नहीं निकल रहा जो आपने रिक्वायर्ड था, यानी जो आपको रिक्वायर्ड था, विच मीन्स के आपका एल्गोरिथम गलत है अगर आपका वो रिजल्ट नहीं आ रहा जो आपने सोचा था। और फ्रेंड्स, ये तमाम जो स्टेप्स हैं, ये जो चार स्टेप्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। तो दोस्तों, एल्गोरिथम की वैसे तो हम कई मिसालें देख चुके हैं लेकिन एक मिसाल ऐसी है जिससे ये आपको और वाजे हो जाएगा कि जो अभी हमने तमाम करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं वो उस एल्गोरिथम में पूरे हो भी रहे हैं या नहीं, ये आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ आ जाएगा। और दोस्तों, वो एग्जाम्पल है रेसिपी की, यानी जब कभी भी आप कोई नई डिश बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इंटरनेट पर उसकी रेसिपी सर्च करते हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाता है कि वो डिश किस तरह से बनेगी। विच मीन्स कि जो रेसिपीज होती हैं, दीज आर एल्गोरिथम्स। और दोस्तों, किसी भी रेसिपी के लिए उसके हर एक स्टेप का वाजे और क्लियर होना जरूरी है। अगर आपने वहां पर प्याज की जगह वहां पर टमाटर लिखा हुआ है तो आपकी रिजल्टेंट डिश वो नहीं होगी जो आपने सोची होगी। विच मीन्स के इसके हर एक स्टेप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, गलती से पाक होना चाहिए। इसके बाद हर एक स्टेप की मिकदार भी लिमिटेड हो, ऐसा ना हो कि आप अपनी मर्जी से जितने चाहे स्पाइसेस ऐड कर दें, बल्कि नमक मिर्च कितना ऐड करना है ये भी उसमें सही सही डिफाइन होना चाहिए, जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं। यानी एल्गोरिथम के किसी भी स्टेप में कोई भी चीज आपको इनफाइनाइट टाइम्स ऐड ना करनी हो और आखिर में आपको डिजायर्ड आउटपुट भी मिले। ऐसा ना हो कि आपने बिरयानी बनाने का सोचा हो और आखिर में बनकर निकले पुलाव, तो मींस के आपकी रेसिपी यानी एल्गोरिथम सही नहीं है। तो दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर्स प्रोग्रामर्स भी, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करें, उन्हें अपने प्रोग्राम में लॉजिक्स को डिफाइन करने के लिए जरूरत पड़ती है एल्गोरिथम्स की। जैसे मान लें आपको सी लैंग्वेज आती है, यानी आपको सी लैंग्वेज को लिखने का तरीका आता है, लेकिन अगर कोई आपको कहे कि भाई सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाए जिसमें दो नंबर्स को आपको ऐड करवाना है, तो यहाँ आपको जरूरत पड़ेगी लॉजिक की, जिसके जरिए आपको पता लग जाएगा कि नंबर्स को ऐड करवाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है। और लॉजिक डिफाइन होती है एल्गोरिथम में। और ये देखिए, ये आपके सामने एक एल्गोरिथम दो नंबर्स को ऐड करवाने के लिए यूज किया जाता है, ये आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर जो इसका पहला स्टेप है, इसमें हमने स्टार्ट लिखा है क्योंकि ये बता रहा है कि अब आपका एल्गोरिथम शुरू हो रहा है। और इसके सेकंड और थर्ड स्टेप में हमने दो नंबर्स को इनपुट लिया है। याद रखिए, इनपुट्स हम उन्हीं चीजों को लेते हैं जिन पर हमें कोई काम करवाना होता है, कोई प्रोसेस करवाना होता है। और ये देखिए, ये इसके चौथे स्टेप में हमने इन दोनों नंबर्स को प्लस करके इनका जो रिजल्ट है वो स्टोर करवाया है एक तीसरे वेरिएबल में। इसके बाद हमने इसको डिस्प्ले करवा दिया और आखिर में एंड लिख दिया, जो कि ये बताएगा कि अब आपका एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया है, खत्म हो गया है। तो दोस्तों, ये आपके सामने ये एल्गोरिथम मौजूद है और ये एल्गोरिथम कुछ फाइनाइट अनएम्बिगुअस स्टेप से मिलकर बना है जो कि किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अब अगर आप इस पर गौर करें तो यहाँ आपको भी ये समझ आ रहा होगा कि इसमें क्या काम हो रहा है। यानी एल्गोरिथम के लिए आपको प्रोग्रामर होना जरूरी नहीं है, बल्कि ये एक इस तरह की टेक्निक है जो कि किसी लेमैन को भी समझ आ सकती है। अब दोस्तों, आखिरी बात कि एल्गोरिथम का फायदा क्या है। जैसे मान ले आपको डेली अपने ऑफिस में खाना ऑर्डर करना होता है तो आपको डिलीवरी बॉय को रोजाना ऑफिस का एड्रेस समझाना पड़ता है क्योंकि रोज एक नया डिलीवरी बॉय होता है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने एक मैसेज में अपने ऑफिस का एड्रेस स्टेप बाय स्टेप लिख दिया कि भाई फलां गली में आपको आना है, उसके बाद दाएं मुड़ना है, उसके बाद नेक्स्ट गली है, उसके बाद ये बिल्डिंग है। और अब उस मैसेज को आप डेली यूज करते हैं और रीयूज करते हुए डिलीवरी बॉयज को वो मैसेज सेंड कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रोग्रामर्स जब कोई नया प्रोग्राम बनाते हैं, चाहे वो सम का हो, परसेंटेज का हो या फिर सॉर्टिंग और सर्चिंग का, तो सबसे पहले उन्हें जरूरत पड़ती है उस तरीके कार की
जो उन्हें ये बताए कि ये काम होगा कैसे। परसेंटेज निकालनी है तो किस फॉर्मूले से निकालनी है, सॉर्टिंग करनी है तो किस लॉजिक से करनी है। इसीलिए जो लोग बहुत ही ज्यादा जीनियस होते हैं वो हर एक प्रॉब्लम के लिए एक एल्गोरिथम लिख देते हैं आसान अल्फाज में, जिसमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप तरीकेकार होता है और उसी को कहा जाता है एल्गोरिथम। और फिर दुनिया में जितने लोगों को जो काम करना होता है वो उसी से रिलेटेड एल्गोरिथम निकालते हैं और उस एल्गोरिथम को अपनी मर्जी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो काम कर लेते हैं। तो इसी तरह एक ही एल्गोरिथम को लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं, उन्हें लॉजिक सोचने की जरूरत नहीं होती, लॉजिक उनके सामने होती है, बस उस लॉजिक को अपने सिनेरियोस में कन्वर्ट करके, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ये लोग अपना प्रोग्राम बना लेते हैं। तो दोस्तों ये था एल्गोरिथम का फायदा कि प्रोग्रामर्स को, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है तो लॉजिक्स को सोचने की जरूरत नहीं है, वो आपको एल्गोरिथम में भी मिल जाएंगे। अब दोस्तों एल्गोरिथम को लिखने के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। दोस्तों याद रखिए, जिस तरह कंप्यूटर में आप मल्टीपल डाटा को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करता है और एक रिजल्ट आपको निकाल कर दे देता है, ऐसे ही जब भी आप कोई एल्गोरिथम लिखने जाएंगे तो हमेशा प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। जैसे अभी आपको कोई डिश बनानी थी तो आपने रेसिपी देखी जिसमें इंग्रेडिएंट्स जो भी उस रेसिपी में आपने डालेंगे वो कहलाएंगे इनपुट्स। इसके बाद जब आप उन इंग्रेडिएंट्स को उस रेसिपी के बताए गए तरीकेकार से आप उनको मिक्स करेंगे, उनको पकाएंगे, तो ये तरीके कहलाएगा, ये स्टेप कहलाएगा प्रोसेस। और उसके बाद जब आपकी डिश बनकर तैयार हो जाएगी तो ये जो चीज कहलाएगी वो रिजल्टेंट डिश कहलाएगी आपके एल्गोरिथम का, उस रेसिपी का आउटपुट। यानी चाहे कंप्यूटर एल्गोरिथम हो या फिर डेली लाइफ एल्गोरिथम जैसे कि रेसिपी, तमाम एल्गोरिथम्स में प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है, फिर प्रॉब्लम को देखते हुए उसके इनपुट्स दिए जाते हैं, फिर उन इनपुट्स को प्रोसेस किया जाता है, यानी उन इनपुट्स पर कोई काम परफॉर्म करवाया जाता है जिसकी वजह से हमें एक आउटपुट मिल जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, किसी भी एल्गोरिथम में ये तीन चीजें होंगी ही होंगी। अब इन चीजों को आप लिखेंगे कैसे, तो याद रखिए किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए आप सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हुए उस एल्गोरिथम को एक नाम देंगे। उसके बाद आप इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो कि स्टेप नंबर 1 होगा, वो होगा स्टार्ट, यानी स्टार्ट का कीवर्ड, क्योंकि ये बताएगा कि अब आप अपने एल्गोरिथम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद स्टेप नंबर, दूसरा स्टेप नंबर यानी एल्गोरिथम के ये रूल्स हैं कि जब भी आप उसको लिखते हैं तो उसके आगे आप नंबरिंग जरूर करते हैं जो कहलाती है स्टेप नंबर। इसके बाद है वेरिएबल नेम। दोस्तों याद रखिए, जो भी चीज आप इनपुट देंगे या फिर जो भी चीज आप यूजर से इनपुट लेंगे तो वो आप किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। जैसे आपने एक इनपुट लिया है 10, यानी आपको दो नंबर्स को प्लस करवाना था, तो पहला इनपुट था ए, तो उस ए में आपने स्टोर करवाया है 10, तो यहाँ पर ए जो है वो कहलाएगा वेरिएबल नेम। तो यहाँ पर याद रखिए, आपको हर एक चीज को किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। इसके बाद है गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, यानी जब भी आप यूजर से इनपुट लेंगे तो वहां पर आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे रीड का। जैसे अभी हमने दो नंबर्स को इनपुट लिया था तो हमने लिखा था इनपुट ए इनपुट बी, लेकिन एल्गोरिथम को लिखने का ये तरीकेकार है कि आप इनपुट की जगह लिखेंगे रीड ए और रीड बी, यानी जब भी यूजर से आप रन टाइम पर इनपुट लेंगे। इसके बाद है डिस्प्ले आउटपुट, जब आपका जो इनपुट्स हैं वो प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट आपका आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, तो उसको आप लिखेंगे राइट से, यानी जो भी आपका रिजल्ट होगा उसके आगे आप लिखेंगे राइट और फिर रिजल्ट लिख देंगे। और एल्गोरिथम टर्मिनेशन, जब आपका एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा तो आखिर में आप लिख देंगे एंड, जैसे आपने लिखा था स्टार्ट एल्गोरिथम को स्टार्ट करने से पहले, तो एंड लिखेंगे जब आपका एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा तो आप एंड लिख देंगे। तो दोस्तों ये कुछ रूल्स थे छोटे से, जो कि आप किसी भी एल्गोरिथम को लिखते वक्त आपको अपने जहन में रखने हैं। आइए अब एक एल्गोरिथम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसका एल्गोरिथम बनाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम क्या है कि एक बच्चा है वो रोज शॉप पर जाता है, शॉप वाले को पैसे देता है, शॉप वाला उसको सामान देता है और अगर पैसे बचते हैं तो रिटर्न कर देता है वरना नहीं। अब वो बच्चा चाहता है कि क्यों ना मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊं
जो कि मुझे ये बताए कि जो मैंने सामान शॉपकीपर से खरीदा है उसको लेने के बाद शॉपकीपर को मुझे कितने पैसे वापस देने हैं, यानी मेरे पास कितने पैसे बचने चाहिए। तो दोस्तों ये आ गई एक प्रॉब्लम। लेकिन अब प्रोग्राम लिखने से पहले वो बच्चा उसका एल्गोरिथम बनाएगा, और एल्गोरिथम बनाने का फायदा ये है कि क्योंकि वो बच्चा प्रोग्रामर तो है नहीं, तो वो एल्गोरिथम प्रोग्रामर को देगा और प्रोग्रामर उसके उस एल्गोरिथम को कन्वर्ट कर देगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इस तरह उसका प्रोग्राम बनकर तैयार हो जाएगा। अब वो एल्गोरिथम क्या होगा, अब दोस्तों मान लें उस यहाँ पर उस प्रॉब्लम को देखते हुए उस बच्चे ने जो है वो 100 रुपए दिए हैं शॉपकीपर को और उससे 50 रुपए की चीजें बाय की हैं। अब वो ये देखना चाहता है कि मेरे पास कितने पैसे बचने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इस एल्गोरिथम के रूल्स के मुताबिक हमें सबसे पहले नाम देना है एल्गोरिथम को। तो यहाँ पर हमने नाम दे दिया कैलकुलेट रिमेनिंग रुपीस, यानी बच्चे के पास कितने पैसे बचे हैं हमने उसको नाम दे दिया। इसके बाद जो हमारा स्टेप वन है वो है स्टार्ट का। याद रखें किसी भी एल्गोरिथम को लिखते हुए ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप उसका स्टेप वन में जो है वो आप स्टार्ट लिखें। इसके बाद स्टेप टू में हमने पीछे भी देखा था कि हम इनपुट्स देते हैं, तो यहाँ पर हम इनपुट डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों याद रखिए इनपुट्स वही होंगे जिन पर आपको प्रोसेसिंग करनी है। तो सबसे पहले जो पैसे बच्चा दुकान वाले को देगा वो यहाँ इनपुट होंगे, और जितने पैसों की खरीदारी उसने दुकान से की होगी वो यहाँ पर इनपुट में आएगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया रीड रुपीज गिवन टू द शॉपकीपर इक्वल्स टू 100, यानी उसने 100 रुपीज शॉपकीपर को दिए हैं, तो ये मैंने इनपुट दे दिया। और इसके बाद स्टेप थ्री में मैंने दूसरी चीज इनपुट दे दी विच इज रुपीज ऑफ थिंग्स ही बाय फ्रॉम द शॉप, यानी क्या चीजें जो भी चीजें उसने खरीदी हैं जितने पैसों की खरीदी हैं वो मैंने इनपुट दे दी। अब जो चौथा स्टेप है ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉजिक बनाएंगे। तो वो लॉजिक क्या होगी, वो लॉजिक होगी कैलकुलेट रुपीज गिवन टू द शॉपकीपर माइनस रुपीज ऑफ द थिंग्स ही बाय फ्रॉम द शॉप, यानी जो पैसे उसने शॉपकीपर को दिए हैं उसमें से वो माइनस कर देगा उन पैसों को जिसकी उसने खरीदारी की है। आमतौर पर ऐसा ही होता है ना कि जब हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो जो भी पैसे हम दुकानदार को देते हैं और जितने की चीजें हम खरीदते हैं उनको आपस में माइनस करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग पैसे आ जाते हैं जो हमारे पास बचते हैं। तो दोस्तों यही लॉजिक हमने यहाँ पर भी अप्लाई की है, यानी जितने पैसे उसने शॉपकीपर को दिए उनमें से माइनस कर देंगे उन पैसों को जिसकी उसने खरीदारी की है, तो उसके पास बकाया कितने पैसे आने चाहिए ये आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ आप एक चीज नोट करें तो हमें यहाँ पर बार बार इतनी लंबी लंबी लाइंस दिखनी पड़ रही हैं, रुपीज गिवन टू द शॉपकीपर्स थिंग्स ही बाय रिमेनिंग रुपीज। तो इसीलिए अगर हम इनकी जगह किसी वेरिएबल नेम वेरिएबल को लिख देंगे, जैसे अगर हम रुपीज गिवन टू द शॉपकीपर को एक छोटे से वेरिएबल के तौर पर ले लेंगे GIV, इस तरह से हम सेट कर देंगे कि GIV के अंदर हम वैल्यू स्टोर करवा देंगे 100। इसी तरीके से रुपीज ऑफ थिंग्स ही बाय फ्रॉम द शॉप को जो पूरा इतनी बड़ी लाइन है इसको हम एक वेरिएबल से डोनेट कर देंगे, एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज BUI। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से होगा, हम लिख देंगे सेट BUI इक्वल्स टू 50। और इस तरीके से हम यहाँ पर स्टेप फोर में लिख देंगे कैलकुलेट GIV माइनस बाय, यानी गिव माइनस बाय। तो दोस्तों ये देखिए ये स्टेप्स आप देखिए कि आपको अब कितने आसान लग रहे हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि वेरिएबल्स नेम्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। इससे आपका प्रोग्राम ना सिर्फ छोटा हो जाता है, आपको बार बार लंबे लंबे कोड्स नहीं लिखने पड़ते, लंबी लंबी लाइंस नहीं लिखनी पड़ती, और साथ के साथ ही आपको समझ भी आ रहा होता है कि भाई गिवन पैसे उसमें से माइनस कर दिए जो उसने चीजें खरीदी और बच गए रिमेनिंग पैसे। तो दोस्तों इसके बाद अब ये अगर आपको रिजल्ट ये आपके सामने मौजूद है, अब ये रिजल्ट हम डिस्प्ले करवा देंगे राइट के कीवर्ड के जरिए और आखिर में अपने प्रोग्राम को अपने एल्गोरिथम को एंड कर देंगे। तो ये आपके सामने एक एल्गोरिथम मौजूद है और यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से आप एक एल्गोरिथम को लिखते हैं, आप किस तरीके से उसको स्टार्ट करते हैं, इनपुट देते हैं, कैलकुलेट कर प्रोसेस करवाते हैं और आखिर में आउटपुट निकालते हैं। दोस्तों यहाँ हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ और यहाँ हमने सीखा कि एल्गोरिथम क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है और प्रोग्रामिंग में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक का आगाज करेंगे विच इज सूडोकोड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।